खान ने हालिया बारिशों की वजह से आबे हयात नहर में कई फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मसी जानते हैं मोहम्मद इशफाक की सुनो। आबे हयात नहर में शगाफ के बाईस दर्जनों मकानात में पानी दाखिल हो गया। चक नंबर 244 पी रहीम यार खान में पानी दाखिल होने की वजह से लोगों का लाखों रुपए का सामान पानी में डूब गया, जबकि इलाका मकीनों ने कहा कि महकमा नहर का अमला 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद मौका पर ना पहुंच सका। इलाका मकीनों का कहना है हमारा जो कुछ था वो तबाह बर्बाद हो गया। महकमा नहर के अफसरान खामोश हैं। 15 की कॉल पर मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। नहर में शगाफ पड़ने से फसलें जेरे आब आ गई। अपनी मदद आप के तहत इलाका मकीनों ने नहर के शगाफ को कंट्रोल करने की कोशिश की। इलाका मकीन का कहना था कि इंतजामिया को कॉल भी की लेकिन अमदादी टीमें मौका पर ना पहुंच सकी। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए डीसी रहीम यार खान से अपील करते हुए कहा ये महकमा नहर के अफसरान को हदायत दी जाए कि वो आबे हयात नहर को फौरन बंद करके मुतबादल हल किया जाए। कैमरामैन उमर के साथ अशफाक अहमद, राज न्यूज़, रहीम यार खान।